हेलो व्यूवर्स दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके डियर व्यूवर्स इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी एग्जाम के परस्पेक्टिव से महत्वपूर्ण है उन्हें देखते हैं डियर व्यूवर्स हम आशा करते हैं कि दृष्टि आई की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस प्रिय व्यूवर यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आई इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है जो कि 19 फरवरी 2021 को प्रकाशित हुआ है आज के एडिटोरियल का शीर्षक है क्लाइंब यदि आज के एडिटोरियल को समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को स्थूल आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा नहीं बनने देना चाहिए यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर थ्री जिसमें सेक्शन से जैसे कि इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इत्यादि से लिंक करके देख सकते हैं आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु नवीनतम खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रथम दृष्टया मौद्रिक प्राधिकारों को पर्याप्त राहत प्रदान कर रहे हैं चूंकि जनवरी माह में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में चार दशमलव शून्य प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो सोलह माह की गिरावट में लगातार दूसरे महामंदी को चिन्हित करती है अब यदि नवीनतम आंकड़ों की बात करें जो रिटेल इन्फ्लेशन से जुड़े हुए हैं उससे हम लोग देख करके ये कह सकते हैं कि जो मौद्रिक प्राधिकारों या फिर मॉनेटरी अथॉरिटीज हैं उनको पर्याप्त राहत मिल रही है क्यों क्योंकि जनवरी माह में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मात्र चार दशमलव शून्य छह प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है जो सोलह माह की गिरावट में लगातार दूसरे माह मंदी को चिन्हित करती है मतलब जनवरी माह में जो महंगाई बढ़ी है उसका बढ़ने का दर चार दशमलव शून्य छह प्रतिशत था दिसंबर में भी यह आंकड़ा नीचे आया था उससे पहले लगातार सोलह महीने तक जो आंकड़े हमको मिल रहे थे वे आंकड़े बिल्कुल संतोषजनक नहीं थे तो इन आंकड़ों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मॉनिटरी अथॉरिटीज हैं उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी अपनी पॉलिसी मेकिंग को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक की ऊपरी सहन सीमा छह प्रतिशत से छह माह तक उच्च बने रहने के बाद मुद्रास्फीति में अंततः कुछ नरमी आई है और इसमें खाद्य पदार्थों की कीमत में उल्लेखनीय कमी की सहायता मिली है अब भारतीय रिजर्व बैंक ने जो अपर थ्रेशोल्ड लिमिट जो सहन सीमा बनाई है इन्फ्लेशन को लेकर के वो चार प्रतिशत बनाई है प्लस टू और माइनस टू का उसमें मैक्सिमम एक थ्रेशोल्ड बनाया हुआ है अब लगातार छह प्रतिशत से ऊपर हम लोगों ने देखा कि भाई महंगाई का जो दर थी वो आपकी रही अब इस गिरावट के बाद कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि चार दशमलव शून्य छह प्रतिशत एक बेहतर आंकड़ा है और इसका श्रेय काफी हद तक जो खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आई है उसकी वजह से बिल्कुल इसको दिया जाना जरूरी है विशेष रूप से उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक में पिछले माह मात्र एक दशमलव आठ नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई मतलब खाने से संबंधित जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है उसमें केवल और केवल एक दशमलव आठ नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई कारण उसका सब्जियों की कीमत में लगभग पंद्रह दशमलव आठ फीसदी की गिरावट दर्ज की गई और जो खरीफ की फसल की आवाक के मद्देनजर अनाज की कीमतों में लगातार दूसरे महीने पर्याप्त कमी आई है अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा आइडिया महंगाई हो अगर इन्फ्लेशन क्या होता है अब इन्फ्लेशन का मतलब होता है जो साधारण तौर पर हम लोग गुड्स और सर्विसेज जो इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमतों में जो बढ़ा होती है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन अब अलग अलग तरीके की जो रोज़मर्रा की चीजें हैं जैसे कि खाना हो गया कपड़ा हो गया घर हो गया एंटरटेनमेंट हो गया ट्रांसपोर्ट हो गया इत्यादि बहुत सारी चीजें यदि हम लोग बात करें इन्फ्लेशन एक तरीके का इंडिकेटर है कि किस तरीके से जो कोई वस्तु है उसको खरीदने की जो परचेजिंग पावर है देश की जो मौजूदा करेंसी है उसको खरीदने की जो परचेजिंग पावर है उसमें गिरावट को दर्शाता है आपका इन्फ्लेशन हालांकि ये कहा जाता है कि एक मॉडरेट लेवल का इन्फ्लेशन इकोनोमी में हमेशा जरूरी है जिससे कि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता है भारत में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इन्फ्लेशन को मापते हैं भारत में इन्फ्लेशन जो है वो दो इंडेक्सेस पर नापा जाता है पहला है होलसेल प्राइस इंडेक्स दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है वो होलसेल लेवल पर हम लोग देखते हैं और यदि रिटेल के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो कमोडिटीज की कीमतों के बीच में डिफरेंस जो होता है उसको कैलकुलेट करता है जैसे कि खाना हो गया मेडिकल केयर हो गई शिक्षा हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए जिसका वो इस्तेमाल जो भारतीय कंज्यूमर है वो समय समय पर करते रहते हैं अब यदि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करूं तो उसमें पांच सब ग्रुप होते हैं जो है फूड और बेवरेज फ्यूल हाउसिंग क्लोदिंग बेडिंग एंड फुटवीयर ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं आरबीआई ने इस माह के अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में बम्पर खरीफ फसल एक अच्छी रबी उपज की बढ़ती संभावनाओं प्रमुख सब्जियों की सर्दियों की बड़ी आवाक और एवियन फ्लू की आशंका के कारण अंडे और मुर्गी की मांग में कमी को आगामी महीनों के प्रभावी कारकों के रूप में देखा है अब यदि आर की मौद्रिक नीति को लेकर के जो स्टेटमेंट आई थी उसमें यह कहा गया था कि एक बहुत बेहतरीन खरीफ फसल के कारण एक अच्छी रबी फसल की संभावना है और साथ ही साथ बड़ी मात्रा में जो प्रमुख सब्जियां हैं वो सर्दियों के सीजन में जो हैं हैं वो बाजार में उतरी इन सब कारणों को देखा गया है कि आने वाले समय में भी जो इन्फ्लेशन है वो काबू में रहेगी लेकिन केंद्रीय बैंक आगामी जोखिमों को लेकर के भी सचेत है विशेष रूप से खाद्य लागतों के संबंध में जहां नवीनतम आंकड़ों ने दाल और खाद्य तेलों की कीमतों के बारे में चिंता जाहिर की है अब यहां एक चीज जो सबसे जरूरी है देखने योग्य वो ये कि भले ही आंकड़े बहुत तसल्ली देने वाले हैं लेकिन आरबीआई ने यह साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो दाल और जो खाद्य तेल है उनमें अभी भी चिंता जो है वो जुड़ी हुई है यदि दालों के संदर्भ में बात करें और दाल से रिलेटेड जो उत्पाद हैं उसमें लगभग तेरह दशमलव चार प्रतिशत की इंक्रीज हुई है वहीं तेल और वासा के संदर्भ में अगर बात करें तो उन्नीस दशमलव सात प्रतिशत की वृद्धि हुई है प्रोटीन के दो अन्य स्रोत अंडा और मांस मछली में भी क्रमशः हमने बारह दशमलव नौ फीसदी और बारह दशमलव फीसदी का इंक्रीज देखा है हालांकि आप ये बात समझिए कि एवियन इंफ्लुएंजा बर्ड फ्लू को लेकर के बीच में बड़ी खबरें उड़ी थी उसका भी देखिए कोई खास इंपैक्ट हमको होता हुआ दिखाई नहीं देता इस क्षेत्र में अंडे के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर दहाई आंकड़ा जो है वो टच किया है मुद्रास्फीति ने तो ये एक चिंता का विषय बन सकता है कि इसमें अभी भी महंगाई जो है वो पहले किस स्तर जैसी ही अपीयर होती आ रही है यदि वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो अब अनुकूल आधार प्रभाव के क्षीण होने की शुरुआत के साथ जहां मुद्रास्फीति सौ से अधिक आधार अंकों की कमी के साथ फरवरी 2020 में और मार्च में चार दशमलव आठ चार रही परिदृश्य को अवस्थिकारक नहीं माना जा सकता विशेष चिंता का विषय विनिर्माण सहित वास्तविक अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में इनपुट लागतों में दिख रहा रुझान है अब जो सबसे बड़ी चिंता का विषय देखिए सिर्फ खाद्य सामग्री ही नहीं कई अन्य चीज भी होते हैं और खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं और भी अन्य कई सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जो अर्थव्यवस्था को एक अच्छे तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं ऑटोमोबाइल की बात करें चाहे बिल्डरों की बात करें लगातार हम देख रहे हैं कि जो कच्चा माल है उसकी जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं तो जब कच्चे माल की कीमतें लगातार बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि उसका सीधा सीधा यदि कच्चा माल महंगा है तो जो आउटपुट जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो भी तो महंगा होगा अल्टीमेटली वो किस तक पहुंचेगा महंगा माल वो महंगा माल पहुंचेगा कंज्यूमर तक यहां पर हमें जरूरत इस चीज की है कि अभी हमको ये इंश्योर करना है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं अलग अलग सेक्टर्स में जो इकोनॉमी को मजबूत बनाती हैं, सरकार को आरबीआई को पॉलिसी मेकर्स को उन सभी संस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है नवीनतम आईएचएस मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजेस मैनेजर्स इंडेक्स दो वर्ष से अधिक समय से क्रय लागत में सबसे तेज वृद्धि की ओर इशारा कर रहा है क्योंकि एक लगातार बन रहे आपूर्ति पक्ष दबाव ने मुद्रास्फीति संबंधी दबाव को हवा दी है और ने वर्ष एक वर्ष में अपने उत्पाद की कीमतों को सबसे तेज गति से बढ़ाया है अब यदि हम लोग एक आंकड़े की बात माने जो कि आई मार्केट इंडिया द्वारा दिया गया है उनका कहना यह है कि पिछले एक वर्ष में जो विनिर्माताएं हैं उन्होंने अपने जो उत्पाद हैं उनकी कीमतों में जिस तरीके से तेजी बढ़ाई है वो पिछले दो वर्षों में सबसे अधिक है लगातार अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी कीमतों को ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं अब कारण यहां पे ये देखने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उसके पीछे सिंपल सा रीजन ये कि भाई कहीं ना कहीं जो एक साल की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो लगभग ठप मानी जाएगी उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो हुआ है अब वो इंपैक्ट होने के कारण हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई जो मैन्युफैक्चरर है वो भी अपने आप को कब तक नुकसान में रख सकता है तो उसने भी ये करना शुरू किया कि भाई वो भी अपनी कीमतों को बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं उसको भी तो अपनी इंडस्ट्री अपने कर्मचारी अपने खर्चे उनको देखना पड़ेगा तो इस चीज से बचने की आवश्यकता है आगे का रास्ता इस परिदृश्य में हाल के दिनों में परिवहन ईंधनों की कीमतों में आए रिकॉर्ड वृद्धि को भी शामिल कर लें तो मुद्रास्फीति को लेकर के आशंकाएं और गहन हो जाती हैं। अब इन सब समस्याओं के बाद जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि भाई जो हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ समय से लगातार जो परिवहन ईंधन है उसकी कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसका इंपैक्ट क्या होगा इन्फ्लेशन के ऊपर और अगर उसको देखें सही तरीके से तो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो सीधा सीधा इम्पैक्ट अपना अन्य जो बाकी क्षेत्र है उनके ऊपर भी डालेंगे और हम देखेंगे कि जो उत्पाद है वो और ज्यादा महंगे होंगे माल परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रमुख ईंधन डीजल का मूल्य अब अस्सी रुपये प्रति लीटर से अधिक हो गया है जिसका प्रभाव ताजा उत्पादन से लेकर मध्यवर्ती और अंतिम रूप से तैयार औद्योगिक माल तक सभी लंबी दूरी तक परिवहन किए जाने वाले उत्पादों पर पड़ेगा अब हम लोग एक चीज भाई बहुत सिंपल सी जानते हैं जो बहुत बेसिक सी बात है वो ये कि जब कभी पेट्रोल या डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं और यदि हम लोग खास तौर से बात करें कि भाई जो परिवहन फ्यूल जिसको माना जाता है माल परिवहन के लिए जो ईंधन इस्तेमाल किया जाता है वो आपका डीजल ही होता है अब अगर इसको अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं इसका असर वो हर प्रोडक्ट पर आपको आने वाले समय पर देखने को मिल सकता है यदि बैंकों के संदर्भ में बात करें तो इस समय बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी तरलता बनी हुई है अब नीति निर्माताओं को इस चीज पर निगरानी करने की जरूरत है कि ये जो अतिरिक्त जो लिक्विडिटी है बैंकों के पास वो भी देने को तैयार बैठे हैं कहां पे अगर हम लोग देखें कि इस तरीके के सिम्टम रहे कि परिवहन जो ईंधन है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है अन्य कई क्षेत्र जहां पे बढ़ोतरी हो रही है कहीं उसका इम्पैक्ट जो है वो दोबारा से इन्फ्लेशन को बढ़ाना ना शुरू कर दे और किसी तरीके का जो आर्थिक स्थिरता जो है थोड़ी बहुत उसको कहीं खतरे में ना डाल दें तो जरूरी ये है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इन सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख करके अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करें तो व्यूवर्स ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस अब आज के एडिटोरियल से संबंधित आपके जो प्रश्न बन सकते हैं वो मुख्यतः प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में सीपीआई डब्ल्यू जैसे मैंने आंकड़े बताए अलग अलग कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं भारत में इन्फ्लेशन कौन मेजर करता है कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इन सब चीजों का इस्तेमाल आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए बिल्कुल इस संदर्भ में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं तो व्यूवर्स आई होप आप सभी को ये एडिटोरियल पसंद आया हो धन्यवाद